दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी इनविक्टो और आज हम डिटेल में बात करेंगे आपकी ऑल न्यू इनविक्टो के बारे में। ये गाड़ी आपकी टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का रीबैच अवतार है। यहाँ पर मारुति सुजुकी ने पूरी कोशिश करी है इस गाड़ी को ज़्यादा अफोर्डेबल बनाने में, अपना जो सेल्स नेटवर्क है उससे इस गाड़ी को ना ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक ये गाड़ी पहुँच पाए वो चाहते हैं। मैं आपको समझाऊंगा क्या यहाँ पर मारुति सुजुकी ने स्पेशल इस गाड़ी के साथ करा है। तो सबसे पहले देखेंगे की फॉब में, तो यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिलेगा। कहीं ना कहीं बड़ा डिज़ाइन जो आपको इनोवा हाई क्रॉस में मिलता है सेम चीज़ यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे जो अंदर आपको ब्रॉन्ज फिनिश मिलती है वो चीज़ नोटिस करेंगे, जिसमें फंक्शन के मामले में आपको तीन फंक्शन मिलने वाले। लॉक अनलॉक का फंक्शन है और लॉन्ग प्रेस करने में आपका बूट यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें अगर आप पावर टेलगेट को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिया गया है। और गाड़ी के रियर की प्रोफाइल ना बहुत ही बढ़िया लग रही है, लेकिन स्पेशल काम यहाँ पर मारुति ने इसकी फ्रंट प्रोफाइल में करा है, जहाँ पर ग्रैंड विटारा और एक्सल 6 से थोड़ा इंस्पायर्ड इस गाड़ी के फ्रंट के लुक को रखा है। अब देखिए गाड़ी एक 7 सीटर और 8 सीटर लेआउट में आती है। टोटल इसमें 3 वेरियंट को उतारा गया है, तो वो आपको प्राइसिंग के साथ थोड़ा बताता हूँ मैं। यहाँ पर आपको 235 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है। अब आप कहेंगे भाई 8 लोगों का सामान इतनी छोटी जगह में कैसा आएगा, तो वो थोड़ा सा आपके लिए सोचने की बात है, लेकिन फिर भी स्पेस सही है। लेकिन गाड़ी को देखिए यहाँ पर आपको ना रिक्लाइन करने का ऑप्शन दिया गया है, उसी के साथ ये सीट अगर आप फोल्ड करते हैं तो 690 लीटर का बहुत ही बड़ा बूट स्पेस, कहीं ना कहीं आपको फॉर्चुनर के लेवल का बूट स्पेस भी मिल जाएगा। एक चीज़ मैंने यहाँ पर देखी, यहाँ पर आपको इंग्लिश भी मिलेगी और उर्दू में भी लिखा गया है, तो मुझे लग रहा है कि इस गाड़ी को इंडोनेशिया में भी यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएगा, जैसे कि इससे पहले हमने देखा कि सिलेरियो के साथ हुआ था, जिससे गाड़ी लग रहा है कि इंटरनेशनल एक तरीके से ना क्वालिटी तो है ही अपनी, हाई क्रॉस इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, तो फिर भी मारुति अपनी लाइनअप से इस गाड़ी को उतारना चाह रहा है। थोड़ा और देखेंगे तो यहाँ पर आपको इनविक्टो की बैजिंग मिल जाती है, कि मैं आपको दिखाई चुका हूँ इस प्रकार रहेगी। यहाँ पर आपको 3 सेगमेंट में इस तरीके से टेल लैम्प, बीच में देखेंगे सुजुकी का लोगो, हाइब्रिड की बैजिंग है, लेकिन देख रहे हो जो यहाँ पर ब्लू टिंट आता है ना हाइब्रिड के साथ वो गायब कर दिया है। और उसके अलावा ये आपको बेसिक ब्लैक और कुछ क्रोम के साथ ऑफर की गई है। टेल लैम्प आप देखेंगे, नेक्सा को कैसे भूल सकते हैं, आज नेक्सा को यहाँ पर 8 साल हो गए इंडिया में अपनी सर्विसेज देते हुए। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक स्पॉइलर है, यहाँ पर आपको शार्कवी 19R डिफॉगर वॉशर वाइपर सब कुछ है। गाड़ी की टोटल लंबाई अगर आप देखेंगे 4755 mm की है। कहीं ना कहीं गाड़ी 4800 mm की लंबाई के साथ जो आपकी हाई क्रॉस है उसी के बराबर है, लंबाई चौड़ाई में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। उसके साथ ही प्राइसिंग की बात कर लेते हैं एक बार, तो भैया यहाँ पर इनविक्टो जो आप देखेंगे लीग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और प्राइसिंग में भी थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम यहाँ पर मारुति करके आई है। प्राइसिंग देखेंगे तो टोटल 3 मॉडल यहाँ पर दिख रहे हैं। बेस मॉडल इसका जीटा प्लस मॉडल होगा, जिसमें आपको 7 सीटर का ऑप्शन भी है और 8 सीटर का ऑप्शन भी है। प्राइसिंग इसके बेस मॉडल की 24,79,000 rupees एक शोरूम रहेगी, उससे ऊपर आप 7 सीटर लेना चाहे तो ये इसकी प्राइसिंग है। और टॉप मॉडल 28,42,000 rupees एक शोरूम रहेगी। आप नहीं चाहते गाड़ी को खरीदना तो यहाँ पर इस गाड़ी को आप लीज भी करवा सकते हैं। अब देखिए प्राइसिंग के बाद मैं आपको दिखाने चलता हूँ इस गाड़ी के फ्रंट के प्रोफाइल, जिसका आपको इंतजार भी था। यहाँ पर आप देखेंगे ग्रैंड विटारा और एक्सल 6 दोनों का DNA आपको मिल रहा होगा। कहीं ना कहीं देख रहे हैं कितना ज़्यादा बल्कि अपील है, और आपको देख के लग भी रहा होगा हाई क्रॉस है इस गाड़ी के पीछे, और जो बम्पर के सिल्वेट है कहीं ना कहीं हाई क्रॉस की याद आपको दिलाएंगे। लेकिन यहाँ पर नेक्सा की डिज़ाइन फिलोसफी और नेक्स्ट वेव ग्रिल और जो आपको DRL फंक्शन है जो कि नेक्स्ट DRL है वो दिखेंगे। नीचे आप देखेंगे कुछ DRL फंक्शन यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर पियानो का फिनिश यूज़ की गई है। उसके अलावा अच्छा काम किया गया है। 360 डिग्री कैमरा इसमें आता है, सुजुकी का लोगो आपको देखने को मिलेगा और क्रोम के कुछ एलिमेंट्स। कहीं ना कहीं जो पहले वाली जो अर्टिगा आती थी ना, जो फर्स्ट जनरेशन अर्टिगा थी, उसके जो क्रोम एलिमेंट्स का डिज़ाइन था हल्का सा याद आ रहा है यहाँ पर, जिससे मारुति ने बहुत ही बढ़िया तरीके से ना अपनी एक ब्रांड हेरिटेज को यहाँ पर बनाया हुआ है। उसके अलावा फ्रंट में थोड़ा बम्पर में एलिमेंट्स, हो सकता है कि ये सब कुछ यहाँ पर एक्सेसरी का पार्ट हो। अब एक सेट पार्ट है कि जो इसमें अलॉय का साइज़ है या हाई क्रॉस के मुकाबले 1 इंच आपको छोटा मिलेगा। हाई क्रॉस में आपको 18 इंचेस का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको 17 इंचेस का ऑप्शन मिल रहा है, तो वो अलग चीज़ है। बाकी इसका साइज़ देखेंगे, अपोलो का टायर है, 215/60 रेडियल 17 का टायर है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको व्हील ट्रैवल के लिए जगह रखी गई है, तो ऑफ रोडिंग भी कर लेगी ये गाड़ी। और मेन बात ये है ना, ये गाड़ी में आपको सिर्फ पेट्रोल का ऑप्शन मिल रहा है, 2 लीटर का हाइब्रिड पावर ट्रेन है जो कि मैक्सिमम पावर 183 हॉर्स पावर और 188 Nm का मैक्सिमम टॉर्क देने वाली है। और मोटर का टॉर्क अगर आप लेके चले तो करीब 204 Nm का है, 200 Nm के आसपास का मोटर का टॉर्क है, लेकिन फाइनल आउटपुट जो आपके पहियों से रोड पे आने वाला है तो वो 188 के आसपास ही रहने वाला है। उसके अलावा सबसे मेन चीज़ जो माइलेज है, ARAI सर्टिफाइड माइलेज 23.24 KMPL, जो कि इनोवा हाई क्रॉस से भी ज़्यादा है। और अगर आप इसके मॉडल और इनोवा हाई क्रॉस के मॉडल को देखेंगे तो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ये 1.5 लाख रुपये के आसपास सस्ती पड़ने वाली है आपको। अब होने को उसमें बहुत चीज़ें मिस है, अब लंबाई चौड़ाई में पता चल रहा होगा कि कोई डिफरेंस नहीं है। उसके अलावा अलॉय का साइज़ छोटा कर दिया है इनने, ADAS का फंक्शन जो आना चाहिए था गायब कर दिया है, हो सकता है कि आगे आपको देखने को मिले। और कुल मिला के यही जो बेसिक फंक्शन है वो आपको दिख पा रहे हैं।
इस प्राइसिंग के साथ। अब देखिए फाइनली आपको ले चलता हूँ इस गाड़ी के इंटीरियर की ओर, और यहाँ पर मारुति सुजुकी क्या स्पेशल आपके लिए ला रही है। तो इस प्रकार आपको डोर हैंडल मिलेगा, ये जो कलर ऑप्शन है इसका नाम मैजेस्टिक सिल्वर कलर ऑप्शन है, कुछ क्रोम का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, वो अभी हम आप इस प्रकार देख सकते हैं, जिसमें आपको 360 डिग्री कैमरे का मॉड्यूल दिख पा रहा होगा। बाकी इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो इनोवा हाई क्रॉस है वो अपना इंटीरियर कहीं ना कहीं उसी को फील करवाते हुए दिख रही है, सिर्फ जो सुजुकी का लोगो है वही लग रहा है कि कुछ नया है हुआ है, जो कि अच्छी भी बात है। टोयोटा और जो सुजुकी एक बहुत बड़े बड़े जाइंट है ना, मिलकर ऐसा कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी ऐसी चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच एक तरीके से यूज़ किया गया, मेमोरी फंक्शन दिखेंगे, यहाँ पर आपको कुछ जाने पहचानी सारी कंट्रोल, उसके साथ यहाँ पर आपको शैम्पेन ब्रॉन्ज का ऑप्शन मिलेगा, कुछ यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल, यहाँ पर आप देखेंगे पावर सीटिंग है, यहाँ पर आपको फुली ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है, तो वो चीज़ आप नोटिस करेंगे, जिसमें आपको CVT मिलेगा जो कि ECVT है, 2 लीटर का पेट्रोल इंजन भी काम कर रहा है, हाइब्रिड मोटर भी काम कर रही है, जनरेटर भी काम कर रहे हैं, बैटरीज भी काम कर रही है, और एक हाइब्रिड पावर ट्रेन की तरह बहुत अच्छी पावर आपको निकाल के ये चीज़ देती है। पावर टेरियट यहाँ से भी ओपन होगी, और ये इसकी पैनोरामिक सनरूफ जो कि आप देख रहे हैं। अब आइए देखते हैं फिर अंदर क्या स्पेशल रहता है। तो यहाँ पर आप आएंगे तो आपको जाना पहचाना जो इंटीरियर मैंने कहा हाई क्रॉस उसी का याद आने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग रहती है, जिस तरीके से अभी इनोवा में सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मानते हैं फॉर्चुनर और इनोवाज में, कि यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग मिलती है, ये आपको सुपर स्मूथ इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग रहेगी। ये पूरा हाइब्रिड का आप यहाँ पर पूरा गेजिंग देखेंगे, जिसमें आपको पावर मोड, इकोनॉमी मोड, चार्जिंग मोड दिखेगा, ये आप देखेंगे प्रॉपर इसका एक स्पीडोमीटर आपको देखने को मिलता है। उसके साथ यहाँ पर आपको टेम्परेचर गेज, फ्यूल गेज और आगे का बोनेट, क्योंकि गाड़ी में ना कहीं एक SUV अवतार छुपा हुआ है, तो बाहर से देखने में SUV फील होती है, लेकिन चलाने में, प्रैक्टिकलिटी में, कंफर्ट में एक प्रॉपर आपको MPV का फील आता है। ये गाड़ी आपको मोनोकॉक चैसी में मिलती है, कोई भी लैडरॉन फ्रेम चैसी नहीं है, जिस तरीके से पुरानी इनोवा में रहती है, मतलब जो सुधार इनोवा हाईक्रॉस में हो गए थे वो सारी चीज़ें एज इट इज़ यहाँ पर आई है। कुछ ADAS के फंक्शन, बड़े अलॉय वो छूट गए पीछे, और प्राइसिंग भी 1.5 लाख रुपये सस्ती हो गई। तो ये सिंपल सी बात है, बाकी मारुति ने पूरी कोशिश करी भाई सस्ते से सस्ते में इस गाड़ी को लाया जाए, और जो काम के फंक्शन है और जिस तरीके का मार्केट यहाँ पर मारुति चाहती है कि टारगेट हो, वो करना चाहते हैं। ये स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ जो कि भैया 10 इंच की स्क्रीन है, और कुछ ऐसे फंक्शन है ना जो कि बिल्कुल स्टैंडर्ड है, वो समझेंगे अभी। 6 एयरबैग आपको इसके बेस मॉडल बोले तो जीटा मॉडल से ही मिल जाएंगे, उसके अलावा जीटा प्लस और अल्फ़ा में रहेंगे। आज हम अल्फ़ा की बात कर रहे हैं, उसके अलावा होम में आप चलेंगे तो यही इसका होम है। सुजुकी कनेक्ट भी आपको बेस मॉडल से मिलेगा, उसके अलावा वायरलेस जो फंक्शन आप चाहते हैं वो सारे रहेंगे। उसके अलावा ये सारा आप AC के सारे कंट्रोल देख रहे हैं। इस साइड आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो CVT का टॉगल है उस तरीके से मिलेगा। अभी थोड़ा फ्लैश थोड़ी देर में चलाते हैं। यहाँ पर लो लाइट में देख लो किस तरीके का इंटीरियर है। एम्बिएंट लाइटिंग भी होगी तो आपको दिख जाएगी, जिस तरीके से आपको यहाँ पर मैं कुछ दिखाना चाहूँगा साइड का पूरा लुक। और इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच का पूरा यूज़ किया गया है। बाकी देखिए लो लाइट को ख़त्म करते हुए थोड़ा उजाला लाते हैं, और यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलेंगे, कुछ आपको यहाँ पर कप होल्डर्स देखने को मिलेंगे, साथ में आप यहाँ पर ग्लव बॉक्स का ऑप्शन देखेंगे। तो बारीकी से देखेंगे ना, क्वालिटी फ्रंट में बहुत अच्छा काम करा है टोयोटा ही कहूँगा मैं यहाँ पर, और जो सुजुकी उसको आगे ला रही है और बढ़िया बात है। वेंटिलेशन के फंक्शन आपको दिए गए, यहाँ पर आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, ऑटोमेटिक ऑप्शन है, यहाँ पर आपको AC के साथ 360 डिग्री कैमरा लो लाइट में किस तरीके से काम करता है तो यहाँ पर आप देखेंगे सही है। यहाँ पर आपको एडेप्टिव गाइडलाइंस भी देखने को मिलेगी, स्टेयरिंग कहाँ जा रहा है वो बताने वाला है आपको कैमरा। उसके साथ ही यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, आपको ड्राइव मोड, EV मोड और ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ ऑन करने का फंक्शन है। बाकी VSM और बेसिक फंक्शन जो रहते हैं ना इन प्रीमियम सेगमेंट में, वो सब कुछ स्टैंडर्ड है इसमें। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड का ऑप्शन है, और ये बेसिक्स, और यहाँ पर ना इस तरीके से ओपन होने वाली है आपकी आर्मरेस्ट है। तो ये कुछ आपने देखा ऑल एंड ऑल आपकी जो एक तरीके से कहूँ इन्विक्टो क्या ऑफर कर रही है, या फिर ये कहना चाहूँगा कि जो टोयोटा और सुजुकी अपने कोलोब्रेशन से दो शानदार गाड़ियाँ ला चुकी है क्या आपके सामने रख रही है। आपके सामने जो यहाँ पर ए पिलर है कैसा परफॉर्म करता है जब ड्राइव करेंगे तब बताऊँगा, लेकिन अभी काफ़ी बढ़िया विजिबिलिटी रहने वाली है इसकी, और कोई शिकायत आपको ये चीज़ नहीं करेगी। पैनोरामिक सनरूफ वो मिस आउट नहीं कर सकते, तो ये इसका पूरा अपर्चर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इतना रहने वाला है, और यहीं इसी बटन की मदद से ये चीज़ आपके सामने क्लोज भी हो जाती है। एक मिस आउट कहेंगे कि यहाँ पर हैलोजन का यूज़ किया गया है, उसके अलावा सही सही से ऑप्शन यहाँ पर रहने ही वाले, तो ये सब कुछ आपके सामने रहा। और यहाँ पर माइक के लिए आपको एक सिस्टम दिया गया है, इस साइड देखेंगे मिरर का ऑप्शन भी है, तो एक प्रॉपर जो एक प्रीमियम थीम है वो मेंटेन की गई है। अब आइए थोड़ा और चीज़ें देखते हैं, और बिल्कुल लो लाइट हो गई है तो यहाँ पर DLL फ्रंट किस तरीके से काम करते हैं, जो मेन एक हेडलैम्प है वो भी देख सकते हैं, तो इस तरीके से दिखने वाला है। और ब्लू कलर है जो नेक्सा ब्लू है वो चीज़ आपके सामने ये कुछ रहने वाला है, और ऐसा दिखेगा। और वाइपर्स भी ऑन हो गए आपके लिए,
तो अब आपको ले चलते हैं सेकंड रो में, वहाँ पे देख लेते हैं हल्का सा क्या कुछ आपको स्पेशल मिल रहा है। बाकी इसकी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। एक चीज़ आप और देखेंगे ना, यहाँ पर जो कट्स एंड क्रीजेस हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से पंचुएट होते हैं, और 52 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, और करीब 23 kmpl का जो माइलेज है उससे ये गाड़ी ईजिली अगर आप पकड़े 20 kmpl का माइलेज भी देके चले तो बहुत अच्छी रेंज, एक तरीके से 1000 किलोमीटर की रेंज आपको सिंगल टैंक में दे सकती है। यहाँ पर आपको 4 सिलेंडर का इंजन मिल रहा है जो कि टोयोटा ने खुद ही डेवलप करा हुआ है, लेकिन अच्छी बात है कि सुजुकी उसको आगे लेके आ रही है। इसमें आपको हाइब्रिड का ऑप्शन मिलेगा, 183 हॉर्स पावर और 188 nm का टॉर्क। ये इंजन की पावर है, लेकिन अगर आप पूरा हाइब्रिड देखें तो 204 nm का मोटर भी टॉर्क बनाती है, तो वैसे फाइनल वैल्यू 188 nm की ही है। कुछ मैं देख रहा हूँ ना, यहाँ पर आपको GDI का पंप भी मिलेगा, तो ये एक नॉन टर्बो इंजन है, लेकिन इसमें आपको MPI इंजेक्शन भी मिलता है और GDI का भी ऑप्शन रहता है। तो ये टोयोटा की थोड़ी खासियत है, जो अपने बड़े इंजन्स में वो दोनों तरीके के फ्यूल इंजेक्शन के ऑप्शंस को यूज़ करती है। यहाँ पर बैटरी देखेंगे, एयर फिल्टर देखेंगे, और बेसिक लेआउट काफ़ी क्लीन मिलेगा। और ये टोयोटा का जो TNGA प्लेटफॉर्म है ना, उसको यूज़ करती है गाड़ी, तो सेफ्टी में बिल्कुल एक ग्लोबल स्टैंडर्ड जो हो सकता था वो पॉसिबल यहाँ पर किया गया है। थोड़ा सा देखेंगे ये चीज़ और है यहाँ पर। अब आइए एक नज़र हल्की सी आपको सेकंड रो सीटिंग, जो कि बिल्कुल लो लाइट में आप देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको सनशेड्स, कुछ आपको यहाँ पर हार्ड टच, ये सॉफ्ट टच, और ये एक शैम्पेन कह लो या फिर ब्रॉन्ज का ऑप्शन मिलने वाला है। ये बेसिक फंक्शंस, टोटल आपको 6 स्पीकर इसमें मिलने वाले हैं, और उसके साथ यहाँ पर आप देखेंगे टोटल अभी मैं जो वेरिएंट आपके सामने लाया हूँ ये 7 सीटर वेरिएंट है। जीटा और अल्फा में आपको 7 सीटर का ऑप्शन मिलेगा, अगर आप जीटा प्लस में जाते हैं तो वहाँ पर आपके सामने 8 सीटर का ऑप्शन भी रहता है। ये ऑप्शन से आपको इसको आगे पीछे स्लाइड करने का है, इसको आप ऐसे करके इसको कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा एक मोशन पॉसिबल है भाई। बहुत बड़ी रेल्स यहाँ पर यूज़ की गई है जो कि ईजी जाता है। यहाँ पर आपको इसका जो एक तरीके से कूलिंग का सिस्टम है, जो कि आपके सेकंड रो और थर्ड रो अलग अलग दिया गया, ये कुछ पैनोरामिक सनरूफ और अपर्चर बहुत अच्छा मिलेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत शानदार सा आपको यहाँ पर लेगरूम मिलता है, और पीछे जाना है तो ऑप्शंस मैं आपको यही दिखा रहा था ना, तो इसको आपको लेना है और इसको आप आगे को स्लाइड कर दीजिए, और ये इसकी जो थर्ड रो है वो आपके सामने आ जाती है। ऊपर हेडरूम, शोल्डरूम, 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको हर एक सीट के लिए मिलेगी। और जल्दी से यहाँ पे आपको जो थर्ड रो का पूरा लेआउट है वो भी समझा देते हैं। तो ये लो लाइट में देखेंगे इसका फ्रंट का डैशबोर्ड, ये इसका पैनोरामिक सनरूफ, और ये सेकंड रोज, और यहाँ पर ये सीट पूरे आगे करके इतना लंबा लेग रूम रहता है, और ये अपना यहाँ पर हेडरूम। तो बहुत शानदार ऑफरिंग कहूँगा, और जिस प्राइसिंग में लाया गया है वो और बढ़िया बात है। यहाँ पर मारुति सुजुकी का जो सेल्स नेटवर्क है, जो सर्विस नेटवर्क है, वो इस गाड़ी की सेल्स को बहुत आगे ले जा सकता है। बाकी आपकी क्या राय इस गाड़ी के ऊपर ज़रूर बताइएगा। और एक क्वार्टर बर्नर ग्लास, यहाँ पर आपको कूलिंग का ऑप्शन दिया गया है, आगे भी एक ऑप्शन दिया गया है। पैनोरामिक सनरूफ की चौड़ाई थोड़ी कम लग सकती है, क्योंकि यहाँ पर कूलिंग के लिए भी डक्ट आपको दिखेगी। तो देखा आपने कुछ कैसी लग रही है आपकी नई नई इन्विक्टो, और लो लाइट में टेल लैंप्स की जो प्रेजेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया लग सकती है आपको। और एक बार देख लेते हैं बूट में क्या कोई आपको यहाँ पर लैंप मिलता है। हाँ जी, एक लैंप आपको इस साइड मिलेगा और एक ही साइड मिलने वाला है, तो ये चीज़ है। बाकी इसको फोल्ड करने का ऑप्शन भी रहने वाला है आपके लिए, तो वो आप इजीली कर सकते हैं, जिसमें देखिए एक बार ये फ्लैट फोल्ड भी हो जाती है, तो इसीलिए 690 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पर ये बना के देती है। तो यहीं पर कंप्लीट करते हैं आपकी ऑल न्यू इन्विक्टो को। बाकी आप अगर इंडिया से बाहर हैं तो इस गाड़ी को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, जो कि और अच्छी बात है, जिससे ग्लोबली इस गाड़ी को कोई भी कस्टमर हो इसका आनंद उठा पाएगा। तो शानदार से इवेंट के बाद यहाँ पर अब होगा डीलर इवेंट, उसके बाद ड्राइव्स, और जो कस्टमर फ्रंट है वो क्या इस गाड़ी में सोचता है वो आपके सामने नई नई वीडियोस लाने वाला हूँ। ओनरशिप रिव्यू भी करेंगे। बाकी आप हल्द्वानी, दिल्ली और कहीं से भी है तो नियरेस्ट शोरूम में जाइए और इस गाड़ी के बारे में पता करिए क्या कुछ इसमें खास है, और क्या आपको ये गाड़ी हाई क्रॉस के मुकाबले ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगी। अब मैं तो यही चाहता कि इसमें आपको एडैश जैसे फंक्शन मिल जाते, जो ऑटोनोमस ड्राइविंग के फंक्शन हैं, खुद गाड़ी रुक सकती, खुद गाड़ी आगे वाली गाड़ी को फॉलो करके अपने क्रूज़ के कमांड को कम ज़्यादा कर सकती थी। लेकिन अगर सस्ती कीमत में लगभग वही सारे फंक्शन मिल रहे हो तो क्या ही शिकायत है, बाकी काम बढ़िया बढ़िया सा किया गया है। तो उम्मीद है फिर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, गाड़ी पसंद आई होगी। प्राइसिंग मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मिलता है फिर ऐसे और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। इसके अलावा कंपटीशन देखा जाए तो बहुत सारा है, इससे सस्ते में ही आपको XUV700 स्कॉर्पियो एन में 7 सीटर, आपके पास MG हेक्टर प्लस का ऑप्शन है, लेकिन एक प्रॉपर MPV जो कि इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड को फुलफिल करती हो, देखने में दमदार हो, लेकिन एक MPV का पूरा पूरा गुण आपको देती हो, वो चीज़ है इस गाड़ी के साथ, तो यहाँ पर आप मिस आउट नहीं कर पाएंगे, और आपको अलॉय कहीं ना कहीं ये जाने पहचाने से दिख रहे होंगे। तो मिलते हैं फिर ऐसी नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।